इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में फरार चल रहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर के घर पानी का टैंक और कनेक्शन मिला है। उसकी क्षमता 50 परिवारों को पानी पिलाने की थी। इतनी बड़ी चोरी को कनेक्शन जांच में पहुंची टीम भी यह धांधली नहीं पकड़ पाई। इंदौर के गुलाब बाग में कल शाम नगर निगम की राजस्व टीम ने छापामार कार्रवाई की। राजस्व पर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के इशारे पर जोन 7 के एआरओ अबीर रेवाल, सहायक इंजीनियर शिवदत्त व्यास और अवनीश ठाकुर पहुंचे थे। यहां 1.5 लाख लीटर की टंकी मिली जो 5 मीटर गहरी थी। इसमें गुलाब बाग की मेन लाइन से कनेक्शन ले रखा था, जबकि निगम रिकॉर्ड में कोई कनेक्शन नहीं बताया गया। कुछ समय पहले ही नगर निगम ने अवैध से वैध नल कनेक्शन की मुहिम चलाई थी। टंकी और जोन की नर्मदा विभाग की टीम घर घर जांच करने पहुंची थी। राठौर के घर टीम ने जांच नहीं की। राठौर के घर से अवैध नल कनेक्शन पकड़ में आने के बाद इस टीम पर सवाल उठ रहे हैं। अपर आयुक्त मिश्रा ने टीम पर कार्रवाई का मन बना लिया है। मिश्रा का कहना है कि अवैध 4 इंची नल कनेक्शन को जब से लाइन डाली है तब से पेनल्टी सहित बिल तैयार किया जा रहा है, राठौर से वसूली की जाएगी। राठौर ने पानी बेचने का धंधा चतुराई से चला रखा था। जिस टंकी से टैंकर भरे जाते थे उनके बीच 2 टैंकर खड़े कर दिए गए थे, जिससे पता नहीं चले कि अंदर क्या हो रहा है। इन टैंकरों के बीच से पाइप बाहर कर टैंकरों में पानी भरता था। अवैध कनेक्शन को पकड़ने के लिए राठौर के घर के ठीक सामने JCB से गड्ढा कराया गया। 4 फीट पर ही कनेक्शन मिल गया, जिसे देख जोन 7 का अमला भी हैरत में पड़ गया। राठौर पानी का धंधा बरसों से कर रहा है, यह बात नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों को पता थी, लेकिन कभी कोई देखने नहीं गया कि वो पानी कहां से लाता है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।